80 और 90 के दशक की फिल्मों में कई ऐसे विलेन भी नजर आए हैं जिन्होंने छोटे छोटे रोल करने के बावजूद अपनी पहचान दर्शकों के जेहन में छोड़ी है। इन्हीं में से एक है माणिक ईरानी, जिन्हें लोग बिला के नाम से भी जानते हैं। माणिक अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी मौत कैसे हुई इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा चुका है कि 90 के दशक में ज्यादा शराब पीने की वजह से माणिक की मौत हुई, तो कुछ इसे एक्सीडेंट बताती हैं। वहीं कुछ अन्य रिपोर्ट्स में ऐसा दावा भी किया जा चुका है कि उन्होंने सुसाइड किया था। ऐसे पड़ा था बिला नाम। माणिक फिल्मी दुनिया का जाना पहचाना चेहरा तो थे, लेकिन वे असली नाम की बजाय बिला नाम से पॉपुलर हुए। दरअसल माणिक ने डायरेक्टर सुभाष घई की फिल्म हीरो में बिला नाम का किरदार निभाया था, जिसे लोगों ने इतना पसंद किया कि माणिक की पहचान ही बन गया। 1983 में रिलीज हुई इस फिल्म में जैकी श्रॉफ, मीनाक्षी शेषाद्री, शमी कपूर, संजीव कुमार, शक्ति कपूर और मदन पुरी का भी अहम रोल था।